जय दोस्तों वंदे मातरम तो ऐसे में अगर हम दुनिया के सबसे महंगे तलाकों की बात करें तो जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक भी हैं उनका तलाक दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में शुमार था अब देखिए एक बार जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अब जय बेजोस की जो पत्नी थी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए उन्होंने तो तलाक तो लिया तलाक के बाद सेटलमेंट के नाम पर काफ़ी सारा पैसा भी लिया और उस पॉइंट पे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कि लिखा था कि अब वो दुनिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी मतलब है मतलब आप जरा सोचिए कि कोई बिना कोई काम धंधे के तलाक लेकर ही अमीर हो गया खैर हम कौन होते दूसरे के घरेलू विषय के बारे में बात करने वाले लेकिन अभी बात आ रही है कि उन्होंने अपने अगले पति को भी तलाक दे दिया है और अब वो संपत्ति को भी दान करने की बात कर रही हैं मतलब क्या चलता है इनके दिमाग में अमेजोन वेबसाइट के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेजी स्कॉट एक बार फिर से सुर्खियों में मैकेजी ने एक बार फिर तलाक के लिए अप्लाई किया है और उन्होंने अपने दूसरे पति को छोड़ने का भी मन बना लिया है साल 2019 में बेजोस को तलाक देने के बाद मैकेजी ने डैन जोएट से शादी करी थी लेकिन अब वो इस शादी को भी खत्म करना चाहती हैं जोएट का नाम मैकेजी स्कॉट ग्रुप के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट से हटा दिया गया है ये वो लोग हैं जो अपने मरने से पहले आधी दौलत छोड़ने का प्रण लेते थे ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट की तरफ से जानकारी दी गई है डैन जोइंट ने मैकेजी स्कॉट के प्रण में शामिल होने का मन उनसे शादी के बाद बनाया था मैकेजी स्कॉट दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावी परोपकारी लोगों में आती स्कॉट ने सोमवार को वाशिंगटन के किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि हमने कोर्ट से हमारी शादी को खत्म करने के लिए कहा डॉक्यूमेंट में साफ नजर आता है कि दोनों के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें यह साफ दिखता है कि रियल एस्टेट और दूसरी पर्सनल प्रॉपर्टीज को कैसे बांटा जाएगा हालांकि मैकेंजी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें अपने पति से तलाक के बाद कोई मदद नहीं चाहिए याचिका में एक लाइन है जिसमें दोनों ये जानकारी देंगे कि उनकी शादी से पहले प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट था या नहीं या केवल अलग होने का कॉन्ट्रैक्ट था न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डैन जोएट का नाम मैकेजी ने अपने अमेजोन के ऑथर बायो से भी हटा दिया है साल 2021 में मैकेजी ने जोएट के साथ शादी करी थी डैन जुएट उस समय सिएटल के एक प्रेसिडेंट स्कूल में साइंस के टीचर थे शादी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया था उनका मानना था कि मैकेजी से शादी के बाद कैंपस में उनकी मौजूदगी से लोगों का ध्यान हटेगा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैकेजी इस समय करीब सत्ताईस अरब डॉलर की मालकिन है बेजोस के साथ तलाक के बाद वो तेईस अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान देती आ रही हैं तीन सालों में उन्होंने बारह अरब डॉलर से भी ज़्यादा की संपत्ति दान कर दी पिछले हफ्ते मैकेजी ने अपने बेवरली हिल्स के दो मैंशन कैलिफोर्निया कम्युनिटी फाउंडेशन को दान दे दी इनकी कीमत करीबन पचपन लाख डॉलर बताई गई साथ ही उन्होंने 15 लाख डॉलर वाली हेल्थ फॉरवर्ड फाउंडेशन और ह्यूस्टन के 20 लाख डॉलर वाले एपिस्कोपल हेल्थ फाउंडेशन को भी दान दे दिया है वही सीधी सी बात है जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा होता है तो उसको दान देने की बात आती है लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो दान की बातें कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाती हैं और फिर जब पैसा ऐसा मिला हो तलाक़ के बाद तो उसके बाद क्या ही बोले जो पैसा खुद का कमाया होता है उसी को तो समझ में आता है कैसे क्या स्पेंड करना है खैर चलिए ठीक है सभी की अपनी अपनी मर्जी होती है बिल गेट्स को ही देख लीजिए उन्होंने जो कितना ज़्यादा दान किया है अजीम प्रेम जी को देख लीजिए उन्होंने कितना दान किया है मेरा मतलब बस इतना है कि खुद के कमाए हुआ पैसा दान किया जाए तो और भी मज़ा आता है आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे से फिलहाल जय हिंद जय भाई